तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है चुनाव, और हमारे जो सुरक्षाकर्मी हैं वो इन बसों के द्वारा इधर से उधर पहुंचाए जा रहे हैं, क्योंकि जहां पर इलेक्शन हो रहा है वहां पर ये सुरक्षाकर्मी पहुंचते हैं, और इलेक्शन ख़त्म हो जाने के बाद इनको दूसरी जगह पहुँचाया जाता है। तो यहाँ पर इनकी बस जो है एक ट्रक से टकरा गई है, और इस बस में क्या क्या नुकसान हुआ है, किसको कितनी चोटें लगी हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो पूरा आपको इस वीडियो में हम आज दिखाने वाले हैं। और काफ़ी पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि सुरक्षा कर्मियों की बात है। और आप देख सकते हैं कि ट्रक जो है वो किस कदर डिवाइडर के ऊपर चढ़ गया है। तो यहाँ पर हमने बहुत सी खोजबीन करने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर पुलिस फोर्स जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, और आम पब्लिक बहुत कम दिखाई दे रही है, क्योंकि बिल्कुल बीच का हाईवे है। तो इस वजह से कोई सही से जवाब दे नहीं पाया, कोई बता नहीं पाया कि किस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। और बस जो है वो रॉन्ग साइड है, और ये ट्रक शायद घूमने की कोशिश कर रहा था, उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। और यहीं पर एक कट भी है जो कि अभी आपको हम वीडियो में दिखाएंगे। पहले तो आप बस देखिए कि ये रॉन्ग साइड आ गई थी या चल रही थी या खड़ी थी, इसके बारे में तो नहीं पता है। और जो इसकी रोडवेज का जो जिधर से इसका दरवाज़ा होता है वो साइड जो है डैमेज हो गई है, और इसका जो अगला टायर है ट्रक का वो भी देखिए किस तरीके से जो पूरा अंदर ज़मीन में घुस चुका है, और कितना नुकसान हुआ है वो आप खुद ही देख सकते हैं वीडियो में। और इसमें किसकी गलती थी इसका भी कुछ पता नहीं चल पाया, क्योंकि रॉन्ग साइड बस चल रही थी और ट्रक ड्राइवर पता नहीं देख नहीं पाया या क्या हुआ इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन इसका जो ट्रक ड्राइवर था वो इन पुलिस वालों को देख करके, ये जो आप पुलिस वाले देख रहे हैं यही सब इसके अंदर थे, और इनको जो है ले जा रही थी। और ये ट्रक ड्राइवर जो है इसका गाड़ी लड़ने के बाद में उतर करके भाग गया था तुरंत, और जो सुरक्षाकर्मी थे वो निकल नहीं पाए थे इसलिए, क्योंकि इसका दरवाज़ा जो है वो ट्रक से सट गया था रोडवेज का। इस वजह से जो ये लोग किधर से निकले इसके बारे में तो नहीं, जब तक हम यहाँ पर पहुँचे हैं जब तक सब लोग बाहर आ चुके थे, और यहाँ पर इसको स्टार्ट करके हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद रोडवेज का ड्राइवर जो है वो इसको हटाने की कोशिश कर रहा है। और क्योंकि ट्रक का ड्राइवर जो है वो यहाँ से भाग चुका है, वो यहाँ पर नहीं है, और इन्होंने जो ट्रक का मालिक है उसको बुलाया है और कुछ ही देर में आएगा। तो पुलिस आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि सुरक्षाकर्मियों की जान की बाजी यहाँ पर लग गई थी, और सुरक्षाकर्मी भी साइड में आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे। और ये एक और ड्राइवर साहब जो है ये अंदर जा रहे हैं, इसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो इसको अभी कुछ ठीक ठाक करेंगे, उसके बाद इसको हटाने की कोशिश करेंगे, और फिर पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है। ट्रक में भी नुकसान हुआ है, बस में भी नुकसान हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी को भी यहाँ पर चोटें नहीं आई है। तो देखिए ये सुरक्षाकर्मी खड़े हुए हैं, और यही सब इस बस के अंदर मौजूद थे, और सभी लोग जो हैं सही सलामत हैं, और किसी को भी चोट पेट नहीं लगी है, और यही एक अच्छी खबर है। और ट्रक जो है वो किस कदर डिवाइडर के ऊपर चढ़ गया है वो आप खुद ही देख सकते हैं, और इसको अभी हटाने की कोशिश करेंगे ये लोग, लेकिन इसमें लोड जो है वो बहुत ज़्यादा है, और ये हट पाता है या नहीं हट पाता है अभी आप वीडियो में आगे देखेंगे। आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर किसी से कोई ऐसा बंदा नहीं था जिससे हम पूछते और आपको बताते, तो यहाँ पर ये सुरक्षा के जवान हैं तो इनसे भी हमने बात नहीं करी है यार, खाम कौन जो है फालतू में पंगा ले किसी से, तो इस वजह से हमने कोई बातचीत नहीं करी, सिर्फ वीडियो बनाया ताकि आप लोग देख सकें। और सुरक्षाकर्मी भी जो हमारे यहाँ देखिए यहाँ पर ट्रक को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और कई बार धक्के लग रहे हैं, लेकिन ट्रक जो है वो काफ़ी अगला टायर जो इसका काफ़ी ज़मीन में घुस चुका है, तो इसके बाद हिल रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर इस बस को हटा दिया गया। तो यार वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। और देखिए बस का क्या हाल हुआ है वो आप देख सकते हैं, इसका दरवाज़ा ही बंद हो गया था क्योंकि दरवाजे के पास ठोकर लगी और पीछे भी ठोकर लगी है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा, और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।